नमस्कार, आप देख रहे हैं एच एस बिहार। आपके साथ मैं मन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, टिकटों का ऐलान भी हो चुका है, किस किस प्रत्याशी को कहां कहां से दावेदारी मिलेगी, किन किन को सिंबल मिलेगा। और अभी मैं मौजूद हूं सीएम आवास के बाहर, और जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल गया है वो सीधे तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, और उनका कहना है कि इस बार उनके आशीर्वाद से हम जीत हासिल करेंगे। आपको बता दूँ कि कुछ नए प्रत्याशियों का भी ऐलान किया गया है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, जिनको टिकट मिला था, उनमें से किन बहुतों का टिकट काटा भी गया है, क्योंकि कई के ऊपर अपराधी इल्ज़ाम लगे हुए थे, और कईयों को नए चेहरे के रूप में बताया गया है, क्योंकि नई सोच को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि इस बार कुछ नए चेहरों को उम्मीदवारी के रूप में पेश किया जाए, ताकि वो एक मजबूती के तौर पर उतर सके और अपने क्षेत्र से जीत हासिल कर सके। वहीं दूसरी तरफ कई जिन्हें टिकट के सिंबल्स मिले, उनका ये भी मानना है कि लोजपा के अलग होने से कोई भी घाटा जेडीयू को नहीं होने वाला है। महागठबंधन तक कोई वहां तक चेहरा टिक नहीं पाएगा नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद। लेकिन चिराग पासवान ने जो उस पर हम विशेष बात करें। कहाँ से सर, कहाँ से, किस विधानसभा से? जयंत राज जी, पहली बार आपको मैदान में उतारा गया है, इसके पहले आपके पिता प्रतिनिधि करते थे जी। क्या स्थिति होगी इधर देखिए सामने? बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीतेंगे, और हर एक बार से दुगुनी मत से चुनाव, कम से कम 25,000 वोट। कितना उम्मीद है बीजेपी के साथ मिलकर इस अलायंस में, कितना वोट आपको आराम से आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1,00,000। सामने महागठबंधन कहीं टिक रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार की जो जन सेवा भाव से जो उन्होंने लगातार काम किया है 2005 के बाद, जनता के बीच में बैठा हुआ है कि मेरा बिहार का नेतृत्व करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा वो सिर्फ नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार के अलावा कोई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से भीड़ भी कम दिख रही है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये सिंबल्स के बांटने का जो ऐलान है वो सुबह 10 बजे से चल रहा था। हालांकि अभी तक कुछ लोगों का टिकट सिंबल्स बट चुका है। मैं आपको बता दूँ कि उनके नाम क्या हैं, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुराने जो लोग हैं उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार कुछ नए लोगों को भी टिकट दिया गया। तो जयंत कुमार अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू का सिंबल लेकर मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले हैं, और सूर्यगढ़ विधानसभा से रामनंदन मंडल को जेडीयू का सिंबल मिला है। और आपको बता दूँ कि सरघाटी से विनोद यादव को टिकट का सिंबल मिला है। तो जो अभी के हालात हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश तेज़ हो रही है, उसकी वजह से कुछ लोग भी टिकट को लेके जो सिंबल्स हैं वो मिल रहे हैं, और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो कृष्णनंदन वर्मा हैं वो काफ़ी तेज़ी में निकले थे, उनको टिकट मिला, सिंबल मिला या नहीं मिला उस पर किसी भी तरीके का कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम जब उनसे बात करने की कोशिश किए तो वो अपनी गाड़ी से तेज़ी से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ कुर्था से राहुल जी को भी टिकट मिला या नहीं मिला उस पर भी उन्होंने किसी भी तरीके का बयान देने से मुकरते हुए नजर आए, और सीधे तौर पर उनकी भी गाड़ी तेज़ी से निकल गई। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जो पहले जिन्हें टिकट दिया गया था पिछले विधानसभा में 2015 में, उनका टिकट काटा गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ नए चेहरे को भी इस बार उम्मीदवारी के रूप में जेडीयू की तरफ से दावेदारी पेश करने के लिए दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार का मानना है कि अच्छे छवि के लोगों को इस बार टिकट दिया जाए, ताकि वो विधानसभा चुनाव में एक भारी बहुमत से जीत हासिल करें। हम तमाम अपडेट्स आप तक देते रहें, किन किन लोगों को टिकट का सिंबल मिलेगा, इन सभी चीज़ों को अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।